तो यार अगर आपने थंबनेल देख के या इसका टाइटल देख के अगर इस वीडियो पे क्लिक किया ना, तो आई एम श्योर कि आपको ये वाला इशू आ रहा होगा और ज्यादा आ रहा होगा, इसलिए आप इसको सर्च कर रहे हो वीडियो को। तो इसी तरह से यार ये वाला भी इशू मुझे भी आ रहा था, बहुत टाइम से आ रहा था। तो मैंने लगा यार क्यों ना अब इसके लिए एक सॉल्यूशन कर दिया जाए परमानेंट, जो कि मेरे को भी सॉल्यूशन मिलेगा और आप मैं आपके साथ मतलब इसी वीडियो के साथ में मैं आपके साथ में भी सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। तो अभी यही हुआ कि जब भी मैं राइड कर रहा था ना यार, तो मेरी चेन से ना बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, तो मुझे ना वो किटकिट की जब आवाज आ रही थी, जब भी मैं राइड कर रहा हूँ इधर उधर जा रहा हूँ, तभी भी मुझे ना वो आवाज आई जा रही है, तो वो या तो यहाँ चुभ रही है तो यहाँ चुभ रही है, मतलब कहीं ना कहीं पे वो चुभ रही थी मेरे को। तो मैंने लगा क्यों ना इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया जाए, और वो सॉल्यूशन मैं आपको भी लाइव दिखा दूंगा, ताकि आपको भी नेक्स्ट टाइम अगर कुछ जैसा आता है तो आप भी चीपेस्ट प्राइस के साथ में ना आप उस सॉल्यूशन को मतलब उस इशू को सॉल्यूशन कर सकते हो उसका। तो बस आज इसी की वाली पूरी वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। इस चैनल पे जो भी नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। और चैनल पर नए हो तो धन्यवाद आपका, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। अगर सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो आज हम जाने वाले हैं भाई एक शॉप पे, जहां पे हम पूरा मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा, कॉस्ट बताऊंगा मैं आपको, कहां कहां से क्या क्या लगेगा, और आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन होने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम सर्विस सेंटर तो जाते हैं बट उसका प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं, जो कि हम कई बार मतलब देना तो चाहते हैं मगर मुझे लगता नहीं कि कई बार वो ना मतलब वाजिब है, मतलब वो अमाउंट मुझे लगता नहीं कि यार वो जायज है या वाजिब है। तो बस यार आज उसी को लेकर हम जा रहे हैं एक दूसरी शॉप के ऊपर, तो देखते हैं वहां पे क्या मिलने वाला है अपने को, और जो भी मिलेगा मैं आपको जरूर दिखाने वाला हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरी वीडियो एक और बनाऊंगा मैं इससे रिलेटेड, वो अगली वाली वीडियो में बनाऊंगा, बट अभी के लिए ये वाली वीडियो जरूर देखना। कंटिन्यू करते हैं शॉप से। तो फाइनली चेंज कराने के लिए आ गए हैं, चेन को चेंज कराने के लिए आ गए हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये अपनी टाइट भी नहीं है, लूज भी नहीं, एकदम परफेक्ट है, बट फिर भी इसमें आवाज़ बहुत आ रही है। अगर देखोगे तो ये भी सब कुछ, तो इसके मतलब होते हैं ना दांत जिसको बोलते हैं बेसिकली, तो ये भी एकदम सारे परफेक्ट है, पूरे रिम के अंदर पूरा परफेक्ट है, बट फिर भी ना आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, और यहाँ से इसका टच भी हो रहा था। अगर कईयों को लग रहा होगा लूज़ है, तो ये लूज़ बिल्कुल भी नहीं है, चेन बिल्कुल भी लूज नहीं है, देख लो कितनी परफेक्ट है, इतना साइज होना ही चाहिए चेन का। बट आवाज़ क्या हो गया है, आवाज़ जब आने का एक और रीज़न है, वो है कहाँ गया ये 24950। तो ऑलमोस्ट एक जो चेन से चलता है 24-25 हज़ार तक चल जाता है। अब इसको जल्दी से चेंज कराते हैं। कौन से वाले टेढ़े, ये वाले टेढ़े होने ना, ये देख रहे हो ना, रुकना रुकना रुकना, स्लो करो। अच्छा ये तो पूरे टेढ़े हो रखे, अच्छा ये टेढ़े होने की वजह से आवाज कर रही है, ये चेन ऊपर जाती है ना सर। अच्छा दिखाना एक बार, ये तो वही चक्कर की तरह बनी है पूरे। जैसे अगर मान लो अगर यही खराब है किसी का, तो ये सिंगल नहीं मिलता ये वाला, अच्छा पूरे चेन के साथ में आता होगा। हाँ अच्छा, मतलब फिर पूरा चेन सेट ही डालना पड़ता है, पैसा तो लगता है। हाँ लेकिन वो बीमारी खत्म हो जाती है, मतलब जड़ से खत्म हो जाता है ना मामला सारा। हाँ वो शायद ये लगा देगा, 150 रुपया कमा लेगा इसी में। सही बात है, बीमारी खत्म नहीं होगी, मतलब आवाज खत्म नहीं होगी, फिर खत्म नहीं होगी तो अगला महीना बस कोई फायदा नहीं होगा मगर उसका। तो ये ना पूरे घिस गए उधर से, मतलब आपको फील नहीं पता लग रहा होगा बट मुझे पता लग रहा है कि बहुत पतले हो चुके हैं, वो बहुत हैवी है।